लौटूंगी। श्रीमद् भागवत भगवान कर अहेतुक करुणारु सिद्धार्थ भक्तिर परम पावन कार्यक्रम भागवत टुंगी जोड़ी होता अगणित श्रद्धालु भक्त भाई माँ मानक सभक्ति प्रणति जय गुरु जय जगन्नाथ दिव्यात्मन। विगत पर्यायर आम मैंने आस्वादन करुले तृतीय स्कंदर षड़विंश अध्याय कथा जो थे भगवान कहते माँ ए भाव जाणी मोर पादे जेबा भजई अप्रमादे जी जाणिकी मत भाव कौन सी प्रमाद न रखी भजन कै ताकू संसार माया लगे ना से कथा को महापुरुष जगन्नाथ दास सुंदर भाव आज आम मान को उपस्थापन करते तेब यही सप्तविंश अध्याय भगवान कपिल माँ देवहूती की कड़े सुंदर सांख्य तत्व को प्रदान करसंतु आस्वादन करवा सपत विंश अध्याय रे पुरुष प्रकृति विचारे गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद साधना बले मुख्य पाई कहंती कपिल गोसाई गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद विष्णु कहंती तो समाने मनु तो नया सावधाने गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद विष्णु कहंती तो समाने मनु तो नया सन्निधाने गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद बोले श्रीमद् भागवत भगवान की किभली भाव भगवान मया अदक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम भगवान निजे कण कर चराचर संसार भितर किभली भाव प्रकृति की सृष्टि करी कथा को माँ को कहते साधना करने द्वारा मोक्ष प्राप्त हुए भगवान कपिल गोसाई माँ को कहते कौन साधना करवा कि साधना करवा आमे माने बाहर निजर बल को बल देखाए मु धनी मु ज्ञानी मु मानी किंतु भितरे इंद्रिय मान को आमे आयत करी पारिचे तो निजर बाहु बलरे अर्थ बलरे आमे अन्य को आयत करी दे पारे किंतु निज भितरे थिबा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये शत्रु को विनाश करी पारिचे तो सही होइछन्ति सिद्ध सही महात्मा जे इंद्रिय मान को दमन करिछन्ति जे मन को आयत्त करि पारिछि मनर मूल ए जगत मन को केवा सामर्थ ये मन को किए समर्थ आयत्त करिया पई केवल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी मुकुर कहिले मिरर आईना आईनार जदि मैला लगिछि जेमिति आपण माने ताकु कोनसे रासायनिक पदार्थ द्वारा सफा सुतरा करि थांती किछि नले ओदा कपड़ा रे पोछि दे थांती सेमिति मन हुचि एक आईना ये मन को सुधारिबा पई हेले श्री गुरुंकर चरणाश्रित होवा को पड़िबो गुरुंकर चरण रज्य को लेपन करिया को पड़िबो तेबे जाय सेना मन स्थिर हब शांत हब तेणु असली साधना हुचि मन को अंतर्मुखी करिबा आमे बहिर्मुखी हे जाउचे मन का कहना कभी नहीं करना तबे भगवान आज माँ देवहूती की से सुंदर कथा कहते भगवान कौन कहते आसतु से कथा को बारंबार आस्वादन करवा आम मान करवा द्वारा अंत हजारे कथा शुणिले गोटे कथा जदि आम कामेरे देख पारे आम जीवन सार्थक हब मनीष जीवन केते दिन आम जी आसीचे सतकथा कहवाक गले अढ़ी दिनिया मनीष जीवन आमे दिने आसीचे आउ दिने जीवा बाकी अध दिन आमर लीला खेला चली संसार भितर
कौन करी कौन खाइबी केमी चल के चिंता केते व्यवस्था भितर अच्छे किंतु जी आम की सुंदर सृष्टि की पठाई तांक विषय केते चिंता करते भितर चेतनार कौन आनीचे से वैकुंठ चेतनार परिप्रकाश पाई आम समय दे पारे तो जदि नदे जीवन टी वृथा केवल निजे खाइबी निजे बंचवी ये तो पशुपक्षी भी करूँ मनीष भितर बड़ कथा कौन किंतु आज भगवान माँ को इंगित करी माँ को माध्यम करी माँ को पाथे करी समस्त जनता रूपे जनार्दन को नर रूपी नारायण को मानव रूपी माधव को कहते स्वयं भगवान कौन भगवान कहते माँ सुण जननी एक मन जे हरि अज निरंजन गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद निर्गुण निर्विकार मय बसई आत्म रूप दे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद प्रकृति गुणे नोहे संग चले देशने अर्क बिंब गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद बोले सच्चिदानंद भगवान की बड़ा सुंदर कथा आज माँ को भगवान बुझे दौंट जहाँ आम मानक अत्यंत उपादेय आपण मैंने देखिए आकाशे सूर्य अच्छा आकाशे चंद्रमा भी अच्छा चंद्र आपण विभिन्न पात्र जल रखिदिंतु निज द्वार रखिदिंतु निज छत रखिदिंतु से जल बा घट धीरे सूर्यालोक पड़ुची सूर्यंकर प्रतिबिंब देखा जाऊँ जदि आम पाणी के टिके चहलईदे तेबे घटे जो सूर्यंकर प्रतिभा बा प्रतिबिंब पड़ुची चहली जाए बा चंद्रंकर प्रतिबिंब पड़ुची ताहा चहली जाए थाए किंतु जी मूल सूर्य बा चंद्र तांकर चहली बारे अच्छी नाई सेमिति आम मानकर शरीर भितरे भगवान निजे आत्माराम रूप से विराजमान करमें सुख भोगे दुख भोगे सुख दुख हानि लाभ भितरे पीड़ित किंतु आत्मा होती निर्विकार निरंजन पुरुष से भगवान माँ को कहले माँ एक मन हो शुणी कथाटा मन को आनी तेणे कह कथा बुझीबन जे हरि अज निरंजन भगवान होती अज ताकू सृष्टि करे किए से निजे को निजे ही सृष्टि कर निरंजन पुरुष कौथे लिप्त नहांती ये प्रकृति पुरुष सहित सी लिप्त नुहंती से निर्गुण कौन सी गुण से नहांती सत्वरजतम गुणर ऊर्धरे भगवान अच्छा निर्गुण निर्विकारमय से निर्विकार विकार स्पर्श करना सुख दुख हानि लाभ क्षय क्षति यही से आत्मा पुरुष केवे पीड़ित नुहंती से आत्मा रूप आत्माराम रूप से ये देहरे विराजमान कर प्रकृति गण नोहे संग जो आम मानकर प्रकृति पांच मन पचीस प्रकृति एक सहित आत्मार किसी संग ना जमी जले जे सने अर्क बिंब जल भितर सूर्यंकर प्रतिबिंब पड़ते तेबे कौन जल हलिले सूर्य हलिबे कि सूर्यंकर किसी परिवर्तन हुए सूर्य स्थिर अच्छा पानी हलुची बोली देखा जाए सेमती भगवान आम भितर जो आत्माराम रूप अच्छा ये सुख दुख रोग व्याधि नाना प्रकार गुण निर्गुण सब ये कथा किसी लगे ना से रूपरेख ना ये शून्य देही से शून्य ब्रह्म निर्गुण निराकार पुरुष आम भितर आत्माराम रूप से विराजमान कर सन्थ जड़े कहते राम केत जन एक राम दशरथ के बेटा एक राम घट घट में लेखा एक राम जगत प्रसारा एक राम सबसे न्यारा कले एक राम
दशरथ के बेटा जड़े राम होती दशरथ पु राम एक राम घट घट में लेखा सब घटे आज जड़े राम अच्छा से किए जहाँ कथा कह आत्मा राम समस्त घटे से आत्मा राम अच्छा सकल घटे नरहरि बसई आत्मरूप धरी सकल घटे नारायण अनादि परम कारण ईश्वर बसे सर्वदेहे ए घेनी नमुची निर्भय कीट पाषाण तरु तृणे बसई आत्मार प्रमाणे गोस्वामी कहते श्या राममय सब जग जानी सी हेले द्वितीय राम तृतीय राम किए एक राम जगत प्रसारा चलिए जगत को सृष्टि कर जने राम एक राम सबसे न्यारा सबुठ न्यारा सी कौर स्पर्श नहीं राम को पठाती से कृष्ण को पठाती तेणु चारि राम वर्णना संत महापुरुष मान करेणु आम शरीर भितर हृदय जो आत्मा राम भगवान विराजमान कर निर्विकार निर्गुण निरंजन पुरुष जेमिति घटरे थिबा जलरे प्रतिबिंबित सूर्यंकर ये घट हलिबा सकाशे तांकर कौनसी परिवर्तन ही न थाए तो आमे सुख भोग करे आमे दुख भोग करे आमे जंजाला भितरे पड़े किंतु आत्मांकर ये सब किछि नाही देह को रोग हुए किंतु मु तो देह नुहे देह को बेमार हब देहर क्षय अछि देहर वृद्धि अछि देही नोस्मिनी जथा देहे कुमारं जवनं चरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रण मुयति ये देह कुमार थिला ये जवन आसला जरा आसीगला बयस अनुसार जहाँ वाकता ही चलती जदि मो केशटा मोर होता मुझे धड़ावा को दिखती ना तेणु मुटा मोर नुहे तेणु आत्मा हूँ निर्विकार निर्गुण से कौन सी गुण से नुहति कौन सी प्रकृति भितर आबद्ध नुहति घट हली गले घटरे थिबा प्रतिबिंब हली जाए मात्र सूर्य जिमिति दोहलंती नहीं स्थिर थांती सेमिति आत्मा हूँ निर्विकार निर्गुण पुरुष तेणु से देह धर्मे बद्ध होई गोविंद आत्मा को अहंकार बही गोविंद 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 वधु गड़ुछि मकरंद गोविंद आत्मार दुख सुख मणे गोविंद कर्म करता मु प्रमाणे गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद गोविंद आत्मार बद्ध कर्म पाके गोविंद नित्य भ्रमई दुख सुखे गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद गोविंद बोले सच्चिदानंद भगवान की जय तेणु आत्मा होती निर्विकार निर्गुण पुरुष जी जलरे बुड़ती ना निरे पड़ती ना पवन में उड़ती ना नैन छिंदती शस्त्राणी नैन दहती पावक न चैन क्लेदंताप न शोषयती मारुत अछत्वय मदाहय मक्लेदोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर चलमिति सनातन जी जलरे बुड़ती निरे पड़ती पवन में उड़ती ना से हूँ अविनाशी आत्मा किंतु बेले बेले आमे माने कहे आत्मा को बाधुची आत्मा को किसी बाधे ना ये देह को ये इंद्रिय को आमे बेले बेले देह को अहंकार बहिकी मु देह बोलिकी कहे किंतु मु देह नुहे आपण निज को निजे कहते ना आपण भितर मुँह किए मु कौन छाती ना मु मुंड ना मु हाथ ना मु गोड़ आम बेले बेले मुली कही कौन से अंग प्रत्यंग को दर्शन कराइ दिए किंतु मुझे ये देह नुह देह मु नुह मु देह नुहे देह मोर तेणु से जो निर्विकार पुरुष आत्मा राम से देह धर्म बद्ध हुई आत्मा को अहंकार बही निजे अहंकार वशत आम कह मु आत्मा बोली आत्मार दुख सुख मणे किंतु आत्मा सहित आर किसी संपर्क नहीं
आमे भावे आत्मा सुखरे पड़ुची दुखरे पड़ुची आत्मा असुविधा आत्मा किसी ना ये सब आमर देहर कथा तेणु मु देह कहले कोटे पाप हुए मु देह नुहे तेणु जे देह को नहींक्र अभिमान करे देह को नहींक्र अहंकार करे से अहंकार केते दिन रहे केते गले केते आसीबे अभिनय सारी जाऊथिबे 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ए संसार रे केते जन्म नेले पुणी केतेकर मृत्यु होगला निज निजर अभिनय सारिकी समस्त प्रत्यावर्तन करने को पड़ू तेणु देह को नहींक्र अहंकार गर्व कर किसी माने ना झुंटी पड़े उठी पारू ना भक्त शरण दास सुंदर भाव मनबुद्ध चौथी सारे कहते ये देहर स्थिति या झुंटी पड़े उठी पारे नहीं तेणु ये जीव केत कहीहब ना तेणु अहंकार क्यापाई गर्व क्यापाई तेणु से भगवान कहते माँ देह को करे अभिमान एणु हरई निज ज्ञान गोविंद 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 पदु गड़ुछी मकर निरते अहंकार घेनी ए मंते भ्रमे नाना योनी गोविंद 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 पदु गड़ुछी मकर देशने जले प्राणी पासे पुणी उठते शिर दिशे गोविंद 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 पदु गड़ुछी मकर जन्म मरण यही मते अर्जिला कर्मर आयते गोविंद 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 पदु गड़ुछी मकरंद आत्मार कर्म फल घेनी जीव भ्रमई नाना जोनी गोविंद 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 पदु गड़ुछी मकरंद बोले सच्चिदानंद भगवान की सुंदर भाव माँ टे बुझे जो भली भगवान से भली भाव कपिल माँ को आज बुझौते क्या माँ कहते ना बापा मु ये देह पाई किंतु देह गेह भितर भूली गली भगवान को इंद्रिय सुख पाई मुझे केत अपराध कर बसीचि केत बड़े इंद्रिय मान को पाखर दूरे भगवत प्राप्ति होबी मते बुझे दे तो भगवान आज से कथा को बुझौंती ये जन्म आ मृत्युर जो चक्र जमी लोक मैंने स्नान कला बेले पाने डुबकी लगाती बुड़ी जाती पुणी उठती मुंड देखा जाए तो बुड़ी जीवा उठवा ये कौन तर मृत्यु आ जन्म हुए कि सेमिति ये देह बारंबार कर्म फल नहीं विभिन्न जोनि जन्म ग्रहण करीव कर्म फल घेनी जन्म लभई नाना जोनि आम मैंने जमीतिया कर्म करवा आमर सेमितिका जन्म हब कना आम अनेक जोनि भ्रमण करी करी आज श्रेष्ठ जन्म मनीष जन्म प्राप्ति हो भगवान कहते माँ जन्म मरण यही मत अर्जिला कर्मर आयते तेणु आपण मैंने जमीतिया कर्म करे कर्मर आयतरे आपणकर परवर्त जन्म हिंता अंति जा मती सा गति शेष समय जमीतिका मतीटी आमर हम आमर गति से प्रकार हम तेणु आम भल मनीष किंबा मंद मनीष से बड़े जना पड़ केत भागवत कहते
प्राणीर भल मंद बाणी गोविंद मरण काले ताहा जानी गोविंद 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 मधुगढ़ मकरंद गोविंद प्राणीर भल मंद बाणी गोविंद मरण काले ताहा जानी गोविंद 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 मधुगढ़ मकरंद श्रीमद भागवत भगवान की प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी तो जणे भल कि मंद जणा पड़ब केतबळे मृत्यु समय रे कारण जी पापी लोक ताको मृत्यु मध्य सहज रे निए ना जम ताको सहज रे बहुत कष्ट दियंती तणो सेति पई तांकर कर्म फल लाघव पई किछि कर्म संपादन करिया को पड़ी थाए साधारणतः गोटे लोक बहुत पीड़ित तार परिवार लोक चाहूंटी चंचल केमी उद्धार पाई जाते आम संस्कृति अच्छी पाखे टी भागवत पाठ करवा तेणु दिव्यात्मन आम कर्ममय संसार को आसीचे जमीती आम द्वारा कौन से कर्म भूल न हुए कर्म प्रधान विश्वर चिरा खा जो जस करो तस फल चाखा भगवान ये सुंदर सृष्टि की आम मान प्रेरणा करम संपादन करने जी जमीती क्या कर्म करवश्यता फलता को भोगवाक पड़ो जदि जमीदार घरे चाकरी करी गुमास्ता शेष समय भगवान को नाम स्मरण परिवर्ते बहु माने भागवत पढ़ुं शशुर जीवन जीवासवा उपर है दुख दुख बाजुची नमई नृसिंह चरण पड़ा बेलू शशुर बुढ़ा मुंड टेक कहुची आलो बहु से नृसिंहा माँ आसी ना बापा कौ नृसिंहा माँ ना से कोड़े गौणी धान नहीं से शुद्ध देनी कि मूल देनी कारण ता सारा जीवनटा जाक ये कर्म लिप्त थी शेष समय मृत्यु बेले तार नृसिंह चरण चिंता करिया परिवर्ते नृसिंह बोठू धान आने कथा चिंता करी तार देह छाड़ा सी मात्र से ग्रामर जड़े व्यक्ति दैनिक श्याम सुंदर बेकर मलिमाल पिंधि था शेष समय पाने डाकुंट बापा कौन खाइब दुख तुख बाजुवा बापा हाथ टेकी कहुची श्याम सम बेस किए साजीव रे साजीव श्याम सम बेस किए साजीव रे साजीव श्याम सम बेस किए साजीव रे बोले सच्चिदानंद भगवान की जय सही परम पावनी कथा को आम आस्वादन करुवा पुणी परवर्ती पर्यायर आज तो समय हो जाए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ बोली श्रीमद भागवत भगवान की जय।